हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल यूटन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आपके लिए है नए एक डिवाइस। हमने अमेजोन से एक यूएसबी डिवाइस मंगाई है जिसे कहते हैं मोबाइल डॉक्टर। आपको दिखाते हैं, ये 400 समथिंग हमारे पास आई है ऐसे पैकिंग में। इसमें सामने एक स्क्रीन है, बस पीछे ऐसी लगी हुई है। यहाँ से पावर सप्लाई हम देते हैं, फिर ये आउट यहाँ से सप्लाई निकलती है। यहाँ पर हमें पावर सप्लाई डिस्प्ले होगी कि इसमें कितनी पावर आ रही है, कितनी पावर हमें ये आउटपुट दे रहा है। अब चेक करते हैं, हमने इसको लगा दिया। अब इसको एक मोबाइल से कनेक्ट करेंगे हम। सपोज मान लें हमने ये मोबाइल ले लिया, इसको रख दिया हमने। यहाँ पर हमें शो हो रहा है कितने वोल्टेज यहाँ से निकल रही है। ये हमारा टाइम है शो होगा, ये हमारा यहाँ पर एम्पियर कितना हमें दे रहा है, और यहाँ पर हमें सोचेगा कितने एमएच है। तो ये फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। अगर फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो तो ये शो कर देता है कि कितनी वोल्टेज को सप्लाई चाहिए। अब हम दूसरे फ़ोन में भी ट्राई करते हैं, प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रही है। देखिए, एक एम्पियर से ऊपर दे रहा है हमें वोल्टेज। जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है उसी फ़ोन में हम लगाया हमने। अगर आप इसको रिसेट करना चाहें, रिसेट कर दीजिए, यहाँ बटन है, यहाँ से रिसेट कर सकते हैं आप इसको। रिसेट हो जाएगा पूरा। उसके बाद हमने निकाल लिया इसको, इसे हम निकाल लेते हैं, इसको वोल्टेज वापस वही हो जाती है। अब हम अगर फ़ोन में भी लगा के आपको चेक करते हैं। जियो फ़ोन में लगा है, अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो शो करेगा तो कितनी वोल्टेज ने लेना स्टार्ट किया। देखते हैं कितनी वोल्टेज लेता है। 0.96 एम्पियर हमारा ले रहा है, तो चार्जिंग हो रहा है, प्रॉपर चार्जिंग ले रहा है इसका। और दूसरे फ़ोन में दिखाते हैं आपको, काफ़ी अच्छी डिवाइस है मोबाइल रिपेयरिंग के संबंधित। जीरो हो गया मोबाइल हटाते ही। अब हम इस डिवाइस में लगाएंगे, इसको थोड़ा टाइम दें उन्होंने के लिए। काफ़ी बड़े डिवाइस है मोबाइल चार्जिंग की एम्पियर देखने के लिए कि मोबाइल चार्जिंग कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। अलग अलग मोबाइल फ़ोन में अलग अलग एम्पियर का कंपनी हमें देती हैं। इस फ़ोन में लगता है कोई चार्जिंग इशू है, इस वजह से पूरा एम्पियर नहीं ले पा रहा। फोर ऑन है हमारे पास कीपैड का, जब उसमें लगा के चेक करते हैं। देखिए हमने इसमें लगा चुके हैं। अब देखते हैं फ़ोन ऑन हो रहा है कितना एम्पियर लेता है। कीपैड फ़ोन में नॉर्मली कम एम्पियर पावर सप्लाई लेता है, 0.49 एम्पियर ले है, कभी इसका घट रहा है बढ़ रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर टी लिखा है, ये हमारा टाइम शो करता है, और जहाँ पर एम एच लिखा है वहाँ पर इसका एम एच शो करता है। जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पर एम पी शो करता है, और जहाँ पर बी लिखा है इट मीन्स वहाँ से कितनी वोल्टेज हम इसको लगा रहे हैं। इसको हम अडेप्टर से ही लगा देंगे।
निकाले हमने। दूसरे फ़ोन के साथ भी अटैच कर देखते हैं। अलग अलग फ़ोनों के साथ अलग अलग अटैच करने पर अलग अलग पावर सप्लाई को रीडिंग दिखाएगा। देखो इसके साथ हमने लगाया, इसकी बैटरी लो है। जैसे जैसे धीरे धीरे चार्ज होता रहेगा इसकी पावर सप्लाई बढ़ती रहेगी। फ़ोन ऑफ होते टाइम इसकी सप्लाई कम होती है, फ़ोन ऑन होने पर ज़्यादा होती है। अब हम अगर बड़े टैबलेट पर लगा दिखाते हैं आपको सप्लाई का। ये हमने यहाँ पर लगा दिया है, सप्लाई धीरे धीरे बढ़ रही है। सपोज हम एक डेड फोन लेते हैं जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, उसको चेक कर देखते हैं क्या रिप्लाई आता है इसका। बहुत दिनों से बंद पड़ा है, इसमें लगेगा टाइम थोड़ा। चलो ओके फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और बताएंगे। देखो एम पे लेने स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स डेड फोन को हम चेक कर सकते हैं कि ऑन हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर आपके हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ऐसी डिवाइसेस और मोबाइल रिपेयरिंग या कंप्यूटर रिपेयरिंग की जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। हमारे चैनल का नाम आपको दोबारा बताता हूँ, यू टर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो को और जो आने वाली दूसरी वीडियो को से जुड़ी हुई सारी संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।